जी पहला नवाज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रॉस के सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल होने जा रहे जो कि शफीक काला वर्सेस बिलाल जुदबा है। शफीक काला के बॉलर हैं कलीम और बिलाल जुदबा के बैट्समैन हैं छोटा टी एम और बिलाल लोगों की बॉलिंग है। बिलाल जुदबा बिलाल और शफीक काला की बैटिंग है और जी बॉल ने स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया पहले बॉल पे शफीक काला ने पहले छक्का लगाया। बिलाल जुदबा दूसरी बॉल की चेंज अप पे समझ गए हैं बिलाल जुदबा क्या काला चेंज अप पे नहीं खेल सकते ठीक। दो बॉलों पे छः रन्स बिलाल जुदबा भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और डॉट बॉल कुछ नहीं। तीन बॉलों पे एक छक्का बाउंड्री लगानी होगी काला शफीक को और काफी तमाशा ग्राउंड का रुख करते हुए फिलहाल की तरफ से शफीक काला वर्सेस बिलाल जुदबा दोनों में काबिलियत अच्छे बॉलर अच्छा बैट्समैन दोनों के पास मौजूद। शफीक काला बिलाल जुदबा भागना स्टार्ट किया बॉल की और उठा के खेल दिया यकीनन काफ़ी ज़बरदस्त छक्का काफ़ी ज़बरदस्त। शफीक काला बड़े मैच का बड़ा प्लेयर चार बॉलें हो चुकी है एक बॉल भी लगी है। ग्रैंड फाइनल पहला नवाज मेमोरियल क्रॉस सिंगल विकेट टूर्नामेंट बिलाल जुदबा वर्सेस काला शफी। बिलाल जुदबा भागना स्टार्ट किया बॉल की और डॉट बॉल इस बार भी मिस किया है बॉल चार रन जरूर हुए हैं लेकिन खाते में एक रन नहीं जाएगा। दो बाउंड्री लग चुकी हैं शफीक काले की जानब से शफीक काला बैटिंग पे मौजूद हैं बिलाल जुदबा पिछली बार के चैंपियन जमील मामू इस बार का चैंपियन कौन कुछ ही देर बाद। बिलाल जुदबा काफ़ी टाइम लगा रहे और भागना स्टार्ट किया बॉल की और वाइड बॉल का पहली बॉल की और पहली बॉल पर उठा खेल दिया लेकिन डॉट बॉल पांच बॉल दस रन की जरूरत पांच बॉलों पे दो बाउंड्री चाहिए दो छक्के चाहिए। छोटा टीम कौन सी टीम चैंपियन होगी अली मुल्तानी आया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और बोल्ड कर दिया है। बढ़िया बोले अली मुल्तानी की जानब से बढ़िया बोले बहुत उम्दा बोले अली मुल्तानी भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और उठा के खेल दिया टीएम ने और काफ़ी उम्दा छक्का टीएम की तरफ से तीन बॉलों पे एक बाउंड्री रिक्वायर है। कलीम मुल्तानी भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और वाइड बॉल वाइट बॉल एक बाउंड्री चाहिए मैच जीतने के लिए। कलीम मुल्तानी भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और यकीनन दूसरा वाइड मैच टाई बराबर हो चुका है। तीन बॉलों पे एक बाउंड्री बराबर हो चुका है टाई हो चुका है और यहाँ से काफी तमाशाई आए हुए हैं कोई मौका नहीं।
आने वाले तमाम मेहमानों को हम दिल के कली मुल्तानी तीन बॉलों पे एक छक्का रहते और देखना छोटा टी है मैच जिता पाते हैं क्या नहीं। आए अंपायर को वेल बॉल टूर्नामेंट कराती हुई में जारी है दोनों के दरमियान दो बॉल थे एक बाउंड्री थी वाइड ने करने शबा मैच टाई है जी पिक्चर अभी बाकी है मैच टाई है दो बॉल मैच टाई हो चुका है दो बॉलों पे एक बाउंड्री चाहिए। नवाज भाग ने स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और उठा के खेल दिया यकीनन चार रन दिया थोड़ा इसी बॉल आगे लगी रोटी कम खाई है छोटे टीम ने थोड़ा इसी बॉल आगे का मुकाबला बॉल मिस होती है तो मैच हो जाएगा लास्ट बॉल मैच टाई है कलीम आउट कर देते हैं कलीम जीतते हैं अगर बाउंड्री लगती है तो हार जाएंगे और आए अंपायर को क्रॉस किया और डॉट बॉल और फाइनल टाई हो चुका है मैच टाई हो चुका है जिसकी वजह से दोबारा एक एक ओवर का मैच खेला जाएगा। शफीक काला बैटिंग पे मौजूद बिलाल जुदबा करेंगे बॉलिंग शफीक काला दोबारा खेलेंगे और बिलाल जुदबा आए अंपायर को क्रॉस किया पहली बॉल की डॉट बॉल आए अंपायर को क्रॉस किया दूसरी बॉल की और दूसरी बॉल भी डॉट बॉल बिलाल जुदबा तीसरी बॉल कराएंगे भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और उठा के खेल दिया यकीनन 6 रन के लिए लाल जुदबा चौथी बॉल कराएंगे अंपायर को क्रॉस के बॉल की और डॉट बॉल अभी तक सिर्फ एक बाउंड्री लगी है अच्छी बॉलिंग बिलाल की तरफ से बिलाल जुदबा काफी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं एक बाउंड्री लगी अभी तक कशमकश जारी कौन होगा बिलाल जुदबा टूर्नामेंट का भागना स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और उठा के खेल दिया शफीक काला ने दूसरी बाउंड्री लगी है 12 रन हो चुके हैं शफीक काला जिम्मेदाराना बैटिंग जारी रखते हुए शफीक काला बैटिंग पे मौजूद बिलाल जुदबा 12 रन बिलाल सामने काला शफीक ने स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और डॉट खेलने की कोशिश की है और इसी तरह 3 बाउंड्री लगानी होगी या तो एक्स्ट्रा रन देंगे वो टीएम आ चुके हैं बैटिंग के लिए छोटा टीएम और सामना करेंगे कलीम मुल्तानी का कलीम मुल्तानी इस तरफ के मोहताज ने आए अंपायर को क्रॉस किया पहली बॉल वाइड बॉल 2 बाउंड्री चाहिए मैच जीतने के लिए 10 रन की जरूरत 2 छक्के 6 बॉलों पे 2 छक्के मैच विन करने के लिए छोटा टीएम कलीम मुल्तानी आए अंपायर को क्रॉस किया पहली बॉल की और यकीनन कैच ड्रॉ काफ़ी पेस के साथ बॉल करवा रहे हैं कलीम मुल्तानी नहीं तो वाइड की कसर निकल जाती 5 बॉलों पे 2 छक्के सामने है छोटा टीएम कलीम मुल्तानी फाइनल मैच बारह स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया बॉल की ओर डॉट बॉल 4 बॉलों पे 2 छक्के कलीम मुल्तानी आए बागन स्टार्ट किया अंपायर को क्रॉस किया और उठा के खेल 2 बॉलों पे 2 छक्के रहते हैं
कली मुल्तानी, सामना है छोटा टीएम। कलीम मुल्तानी भागना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की उठा के खेल दिया और छह रन, एक बॉल पे एक छक्का। लास्ट बॉल, एक बॉल पे एक बाउंड्री और कलीम मुल्तानी आए, बॉल की और उठा के खेल दिया, चेकिना 6 रन और छोटा।